Hello everyone, how are you all? So my favorite festival is coming and that is Lohri. Lohri is the popular festival of Punjab and is celebrated all over the India. It marks the end of winter season and traditional welcome of longer days. This festival is also celebrated as the harvest festival. On this day, people light bonfire, dance and sing with joy. Celebrated this festival today in our school with lots of fun and joy. Happy Lohri! Popcorn ki khushboo, moongfali ki bahar, thodi si masti, apno ka pyar. आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी का त्यौहार, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, Thank you.
कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। लोहड़ी के पीछे भी एक स्टोरी है। कहते हैं कि सुंदर और मुंदरी नाम की दो छोटी बच्चे थे, लड़कियां थी दो छोटी। तो जब वो छोटी थी तो उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो उनको उनके चाचा जी जो है वो पालते हैं। लेकिन चाचा जी जो है वो क्या करते हैं कि वो इन दोनों बच्चों को आगे बेचने की सोचते हैं और किसी से सौदा भी कर लेते हैं कि ये बच्चियां मैं उनको दे दूंगा और उनसे वो पैसे ले लूंगा। तो वहां का जो फेम जिसका नाम होता है दूल्हा भट्टी, वो ये जान लेता है। वो कहता है कि मैं अपने गांव की दो बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो इन दोनों बच्चों को जाके बचा के ले आता है और फिर उन्हीं दोनों बच्चों को ये पालता है और उनको बड़ा करता है। और जब ये दोनों लड़कियां बड़ी होती हैं तो इनकी शादी होती है। तो शादी इतनी जल्दबाजी में डिसाइड होती है तो ज्यादा दूल्हा भट्टी कुछ कर नहीं पाता है तैयारियां। तो वो क्या करता है, इनकी शादी में इनको गुड़, गच्चक, रेवड़ी ऐसा सब उनकी शादी में उनको देता है। तो तब से ये एक प्रथा चली आ रही है, फेस्टिवल तभी से चला आ रहा है। और इस फेस्टिवल पे गुड़, मूंगफली, गच्चक इन सब की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आग जलाई जाती है और उसके चारों तरफ सब नाचते हैं, गाते हैं और मूंगफली और जो फुल्ले हैं वो प्रसाद के रूप में सबको बांटे जाते हैं। तो अगर इससे जुड़ी और भी कोई कहानी आपको पता हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है। इसमें पूजा के लिए जो है जिनकी नई शादी होती है वो जोड़ा आगे आके जैसे बोन फायर के चारों ओर पूजा करता है और फिर प्रसाद जैसे सबको बांटा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका बेटा हुआ है वो भी आगे आकर पूजा करते हैं। बट मुझे ये लगता है कि बेटा हो या बेटी दोनों के लिए ही ये त्यौहार एक जैसा होना चाहिए। आप दोनों के लिए ही मनाइए अगर बेटी भी हुई है और बेटा भी हुआ है। तो लोहड़ी जो है वो दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, बेटा या बेटी। तो ये नहीं कि जिनका बेटा हुआ है तो वही सेलिब्रेट करेंगे। अब से आप प्रॉमिस करेंगे, अब से हम ये चीज़ को हम यंगस्टर्स चेंज करेंगे कि बेटा हो या बेटी हम दोनों के लिए लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।